में शिव कहते हैं भाव जगत में शुद्धि का हो सकता है थोड़ा और गहरा। भाव जगत में शुद्धि के लिए वही आधारभूत बातें उपयोग में लाई जाएंगी जिनका उपयोग बुद्ध ने किया, महावीर ने किया, कि अहिंसा के भाव, करुणा के भाव, मैत्री के भाव, आनंद के भाव, अचौर्य के भाव, अकाम अप्रमाद के भाव, इन सारे भावों को। अब इनके नाम तो तुमने हर बार सुने होंगे इन भावों के, लेकिन पीछे पीछे ठीक इससे विपरीत भावों में हम गति करते हैं। हमें जब भी मौका मिले तो हम अपने भाव शुद्ध की ओर अपने ध्यान को ले जाएं, और फिर इसके लिए वही कीमिया, वही एल्केमी कि तुम्हारे किसी भी भाव के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, कोई और जिम्मेदार नहीं। जब तक तुम जिम्मेदारी बाहर फेंकोगे कोई शुद्धि तुम्हारे अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अशुद्धि तो बाहर जाना ही है, अशुद्धि तो बाहर आइडेंटिफाई करना ही है। तुम्हारे अंदर किसी भी तरह का भाव पैदा हुआ और तुमने उसको बाहर से जोड़ा, अब तुम उस पर काम नहीं कर पाओ। भाव तुम्हारे अंदर कोई भी हुआ और तुम अपने अंदर लौटे तो तुम उसके ऊपर काम कर पाओगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, तुम अपने क्रोध को करुणा में बदल पाओगे, तुम अपनी काम वासना को प्रेम में बदल पाओगे, तुम अपनी तुलना और ईर्ष्या को आगे जाने के ईंधन की तरह उपयोग कर पाओगे। एक तुलना और ईर्ष्या का तल कि तुम सामान्य बातों में कर रहे हो, और दूसरा कि उसको तुम समझदारी और विश्लेषण की ऊर्जा में बदल देते हो। तुम देख पाते हो कि क्या और कैसा होना चाहिए जो तुमको आगे बढ़ा सकता है। वैज्ञानिक भी इसी से आगे बढ़ रहे हैं, तुलना विश्लेषण से, ईर्ष्या से भी। वैज्ञानिक भी ईर्ष्या से आगे बढ़ते हैं। पंछी को उड़ते हुए देखा तो ईर्ष्या पकड़ गई, लो ये तो उड़े जा रहे हैं, मैं नहीं उड़ पा रहा हूं। तो विधियां खोजी, मेथड खोजे उड़ने की, कोशिश करी, उड़ गए। तुलना और ईर्ष्या भी सकारात्मक हो सकती है, नकारात्मक हो सकती है। तो यहां पर दो तल पर काम करें कि सकारात्मक यानी कंस्ट्रक्टिव इमोशंस और डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। पहले तो डिस्ट्रक्टिव से कंस्ट्रक्टिव पर जंप करें और फिर दोनों से आगे जंप कर जाएं, तो भाव शुद्ध की ओर बढ़ पाएंगे। जितना संभव हो अपने अंदर उस भाव से बचने की कोशिश करें जो तुमको नीचे खींचने वाला हो, जितना संभव हो अपने अंदर उस भाव को संभालने की कोशिश करें जो तुमको ऊपर खींचने वाला हो। अब नीचे खींचने वाले भावों में इतना आकर्षण है कि हम उनसे खींचे हुए ही चले जाते हैं, यानी कि हर नकारात्मक भाव में हम कभी डिसबिलीव नहीं करते और हर सकारात्मक भाव में हम हमेशा विश्वास करते। अगर मैं अभी कहूं कि ये व्यक्ति यहां पर बुद्ध हो गया है, उसको नहीं पता ये उसकी समस्या, या वो नहीं हुआ है तो उसकी समस्या, लेकिन आप लोगों में से तुरंत लोग उसको शक की निगाह से देखेंगे कि अच्छा लगता तो नहीं। आए तो वैसे ही थे, बैठे तो वैसे ही हैं, लेकिन अब आपसे कहूं कि इनका पतन हो गया है, कल तक बड़े ध्यानी थे, अब तो ध्यान मन सब इनका चला गया, तो तुम एक बार भी नहीं कहोगे हाँ कहीं लगता ही ऐसा था। जिस तरह से वो यहां पर घुसते थे उससे से लगता था मुझको। तो भाव शुद्धि में ही जो मानवीय मन का बड़ा आदिम आकर्षण है, इससे बचने की जरूरत है। हो सकता है ये शुभ हो सकता है अच्छा हो,
लेकिन हम हर नकारात्मक और गलत बात में तुरंत यकीन करेंगे और किसी सकारात्मक बात में यकीन नहीं करेंगे। तुम अपने पर ही नहीं करते हो, दूसरों के तो जाने दो। तुमसे ही मैं कितना कहता हूं कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम कहां मानते हो। क्योंकि तुमको इतना सिखा दिया गया है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम अशुद्ध हो गए हो, तुम पापों से घिर गए हो, तुम्हारे कर्म खराब हो गए हैं। तो तुम थोड़ी देर बाद पूछते हो कि कर्मों की श्रृंखला से कैसे मुक्त हो, कर्म बंधनों से। अगर मैं तुमसे कहूं तुम अभी के अभी मुक्त हो, तुम कहोगे नहीं। और अगर मैं तुमसे पूछूं तुमको कहां पर पता है कि तुम बंधे हो, जरा खोज। सारे व्यक्ति अभी के अभी खोज के एक बार अंदर झांक के देखें, कर्म बंधन है तो तुम्हें कहां पर बांध रखें, तुम्हें नहीं पता। तुम अशुद्ध हो, तुम्हें कहां पर पता है, नहीं पता। कोई तुमको आकर बताता है तो तुमको पता चलता है। बच्चे मिट्टी भी खा लेते हैं, बच्चे कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं, उनको उतनी परेशानी नहीं होती। और अब तो वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि जिन बच्चों को ये सब करने को नहीं मिलता, मिट्टी में खेलने को नहीं मिलता, वो सारी शरारतें करने को नहीं मिलती, वो सारी गलतियां करने को, वो ठीक से विकसित नहीं हो पाते, शारीरिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं और मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं, उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इम्यूनिटी। और तुम फिजिकल इम्यूनिटी की बात तो जानते हो, तो मेंटल इम्यूनिटी की तो बात ही नहीं जानते। और मेंटल इम्यूनिटी पर अभी शायद काम भी नहीं हो रहा है। तो सारे लोग फिजिकल इम्यूनिटी तो बढ़ाने पर लगे हुए हैं कि अच्छा पानी पिलाओ, ऑर्गेनिक फूड खिलाओ, और ये जो मेंटल इम्यूनिटी है उसको कैसे बढ़ाओगे, उसी के लिए सब विचार और भाव की शुद्धियों पर काम। कि जो धारणाएं चली आ रही हैं लंबे समय से, उन धारणाओं से उनको मुक्त किया जाए। पहले तो शुद्ध के लिए जरूरी है शुद्ध और अशुद्ध की धारणा से मुक्त। यहां पर जो भेद है तुम इसको तुरंत समझ सकते हो। अगर तुम मुस्लिम घर में पैदा हुए होते तो शुद्ध की तुम्हारी अलग धारणा होती, और तुम हिंदू घर में पैदा हुए हो, तुम्हारी शुद्ध की धारणा अलग है। तो शुद्ध में यहीं पर इतना मोटा मोटा विभाजन है। लेकिन शिव ने विभाजन नहीं दिया, उन्होंने बस इतना कहा अशुद्ध के लिए कठिन है। शिव के लिए अशुद्ध वही है जो तुम्हें नीचे खींचने वाला है, शुद्ध वही है जो तुमको ऊपर ले जाने वाला है। मैत्री के भाव, करुणा के भाव, आनंद के भाव तुम्हें ऊपर खींचते हैं, इससे विपरीत तुम्हें नीचे ले जाते हैं। अब ये चुनाव तुम्हारा है। तो भाव के तल पर जब भी मौका मिले हर अच्छी बात में यकीन करने की कोशिश करें। बहुत ज्यादा आक्रामक ना हो। मैं तो अक्सर तुमसे कहता हूं, तब तुम लोगों को भी परेशानी होती, कई लोगों को, कोई हिंसक व्यक्ति है, कोई अपराधी व्यक्ति है, कोई टेररिस्ट है, उसके प्रति भी थोड़ा करुणापूर्ण होकर ध्यान दे। वो बीमार है, मन से रुग्ण है, एकदम से फांसी पे चढ़ाने के लिए तत्पर न हो जाए, लेकिन आपको बड़ा मजा आता है। इसने गलत किया, फांसी पे चढ़ाओ। इसने ऐसा किया, भ्रष्टाचार किया, फांसी पे चढ़ाओ। एक तो उसने हिंसा करी और दूसरी तुम हिंसा करो, दोनों में कोई बड़ा अंतर तो नहीं। एक ने बेहोशी में करी, दूसरे ने उसको कानूनी तौर से करी, तो दोनों तल पर हो गई। एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए, एक शुद्ध व्यक्ति के लिए हिंसा से अंतिम रूप से बचना, हो सकता है कोई जरूरत ना हो। बुद्ध के जीवन में जो घटनाएं हैं वो इसी दृष्टि पर आधारित थे, और तुम देखो कि वो रूपांतरण की ऐतिहासिक घटनाएं हैं, मिथिकल घटनाएं नहीं है। जब किसी व्यक्ति को लोगों ने बिल्कुल दुष्ट में निर्धारित कर दिया था, तब भी वो उसके पास गए, उसको करुणा से देखा,
इतिहास में बहुत कुछ लिखा नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो अलिखित में उन्होंने समझने की चेष्टा करी होगी कि क्यों ये ऐसा है, उन्होंने जानने की कोशिश करी होगी कि क्या उसको समस्या है, और शायद किसी ने पहली बार ऐसा किया होगा वो व्यक्ति रूपांतरित हुआ होगा, क्योंकि कुछ भी विध्वंसक हिंसात्मक करके व्यक्ति संतुष्ट या प्रसन्न थोड़ा ही होता है, वो तो दुखी ही है। तो तुम्हें करुणापूर्ण दृष्टि से उसे देखना होगा। धार्मिक लोग सबसे गैर करुणापूर्ण दृष्टि से देखते हैं, और वो ऐसे ऐसे ढंग से निंदा करते हैं कि निंदा करते भी नहीं और सारी निंदा कर देते। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मित्र आए थे, उन्होंने कहा मैं उन घरों में नहीं जाता हूं जिन घरों में नॉनवेज खाया जाता है। तो आपने उनसे अपने को ऊपर ही रख दिया ना। अभी एक किसी पार्टी में मैं गया तो एक महिला लगातार कुछ बोले चली जा रही थी होठों में, तो जाप वाप कर रही थी शायद, ये एक अनादर टाइप की मानसिक बीमारी है। तो उन्होंने कहा कि यहां अगर नॉनवेज बनाए तो मैं और कुछ नहीं खाऊंगी। तो मैंने सोचा बड़ी नॉनवेज की क्रेजी है कि अगर नॉनवेज बनाए तो कुछ खाएंगी ही नहीं, यहां पर केवल नॉनवेज खाएंगी। मैंने यही ट्रांसलेट किया। जब मैंने पूछा तो पता चला उन्हें कहने का मतलब है कि अगर नॉनवेज बनाए तो कोई खाना नहीं उन्हें खाना है, वो नहीं खाती है उस पार्टी में उस घर में। अब वो खाया तो जा ही रहा है, रेस्टोरेंट में आप खाओगे ही, उन सड़कों से आप निकलोगे ही जहां वो दुकानें हैं, तब तो आप नहीं ये सब बातें उठाओगे। आप वो दवाइयां खाओगे जिनमें वो सारे एलिमेंट पड़े हैं, वो सारे कॉस्मेटिक लगाओगे जो जानवरों पे जिनका एक्सपेरिमेंट होते हैं, तब आपकी चीज आड़े नहीं आएगी। मोटी मोटी चीज तो आड़े आ गई आपकी कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो ये धार्मिक व्यक्ति अजीब सी हिंसा से भरा है और निंदा से जो दूसरों को नीचा दिखा देता है। आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए करुणापूर्ण, सब ठीक है, तुम नहीं जानते गलत क्या है, कौन क्या खा रहा है, पहन रहा है, क्या कर रहा है, सही गलत का तुम्हारे पास कोई पैमाना नहीं। तुम तो बस ये तय करोगे उस व्यक्ति के व्यवहार से, उसके जीवन से किसी को कोई समस्या है, उस व्यक्ति की जीवन धारा से कोई सृजनात्मक धारा निकलती है या नहीं निकलती है। तुम लाख साधु हो, तुम्हारे जीवन से कोई सृजनात्मक धारा निकलती है या नहीं निकलती? नहीं निकलती तो क्या उसका अस्त्र? मीरा ने गाए भजन, तुमने उनके दोहराए तो क्या काम किया? टाइम वेस्ट किया ना। खुद अपना एक आध भजन लिखते, मीरा की तरह गाते, तुम तो सीडी ही हो, सीडी बाबा हो तुम, दोहराए चले जा रहे हो उनको तुम। तो दोहराने से तो कोई फर्क नहीं पड़ना, सृजनात्मकता आनी चाहिए। भाव के तल पर अपने को मुक्त करें, किसी भी निंदा से मुक्त करें।